शालीमार कितना बड़ा मार्केट लगता है, कितने लोग रोजगार कमाते हैं इस मार्केट से। देखिए आप उनका पूरा दिन चला गया और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतना हुआ कि इलेक्शन हुआ, कश्मीर के लोगों ने अपने कैंडिडेट को वोट दिया, बीजेपी को नहीं जिताया। इसकी वजह से क्या ये सब हो रहा है? क्या हम ये सब समझ सकते हैं कि ये सब इलेक्शन की वजह से हो रहा है? इलेक्शन से पहले ये सब नहीं हुआ था तो ये स्टार्ट क्यों हो गया? अगर कश्मीर सबसे ज्यादा सेफ बन गया था तो अभी क्यों हो रहा है? ये चीजें कब तक रहेंगी, कब तक बढ़ेंगी? और एट द एंड कश्मीर का यूथ इसमें सर्वाइव कर नहीं पाता है, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर हम किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग ऑन? हमें पता, हमें जवाब दीजिए। हम अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लुक इनटू द मैटर। जैसे बीजेपी ने कंट्रोल किया हुआ था यहाँ पे, आपके कंट्रोल में आती ये चीजें क्यों बढ़ रही है? ओके गाइस, सो टुडे इज 3rd November, अभी रात के 12 बज रहे हैं एंड आई वाज एडिटिंग अ वीडियो जो कि आज के ऊपर है। एंड इट्स लाइक हम लोग अभी ना सुबह में श्रीनगर संडे मार्केट एक्सप्लोर करने गए थे एंड वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऐसा हमें पता चला। जब हम वहां पहुंचे उसके 20 मिनट्स पहले जो है ये इंसिडेंट हुआ। अगर हम 20 मिनट्स बाद जाते तो हो सकता है कि हम भी वहां पे हो सकते थे, या हो सकता है कोई और भी वहां पे हो सकता है, ऐसा भी हमें पता चला जब हम रिसर्च कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे बहुत नॉर्मल लग रहा था हमें, क्योंकि वहां पास काफ़ी लोग थे एंड यू नो बहुत सारी न्यूज़ मीडिया थी एंड बहुत सारे लोग थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो इंसिडेंट को। एंड हमें जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ पे ना हमें मतलब बहुत ही नॉर्मल लगा, तो इस वजह से हमने कंटिन्यू किया जिस प्लान के लिए हम लोग गए थे। हम शॉपिंग करने गए थे क्योंकि संडे मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट होता है एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है काफ़ी सस्ते में, तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो हमने सोचा कि चलो जो इतना ज़्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं लग रही, क्योंकि अगर सेम चीज़ कोई और जगह पर हुई रहती, लेट्स से कहीं कोई और स्टेट में हुआ है, तो अगर इतनी सी भी चीज़ एक फायरिंग भी हो जाती है ना तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट यहाँ पे एक ग्रेनेड यू नो ब्लास्ट हो गया, बट वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नॉर्मली अपना चीज़ें बेच रहे हैं एंड लोग इतना ज़्यादा आराम से वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। लिटरली जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसी जगह पे हमने देखा कि लोगों ने दुकान भी अपनी स्टार्ट कर दी है। संडे मार्केट में जो लोग अपने यू नो दुकान लगाते हैं, उन्होंने वहाँ पे दुकान भी स्टार्ट कर दी थी। इट वाज लाइक हमने सोचा कि चलो बहुत है, नॉर्मल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम हमारी जो कश्मीर की जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग एक हफ्ते से अभी कश्मीर में ही है। इसके पहले मैं एडिट अपलोड करने वाला था, कल हमने कैंपिंग की थी गुरेज वैली में, तो वहाँ पे हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं था, हमने इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखा था। एंड जब हम लोग आ रहे थे तब पता चला कि कहीं पे और भी अटैक हुआ था ऑन द वे। सो दो यूपी के लोग जो है वो मिलिटेंट से, उन्होंने मिलिटेंट ने उनपे अटैक किया बिकॉज दे आर नॉट लोकल्स, वो बाहर से हैं। तो ये सब चीज़ जब हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी पे पूरा हमने मैप वगैरह बना के रखा हुआ है एंड उसके बाद में वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। हमारी गाड़ी का नंबर महाराष्ट्र का है, जगदीश भाई की गाड़ी का नंबर कर्नाटका का है, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। एंड दूसरी चीज़, हमारी जो गाड़ी है वो पार्क्ड है बाहर रोड पे, तो इस वजह से हमें और डर लग रहा है। तो हम लोग या तो कश्मीर से जो है एग्जिट कर लेंगे, या तो जो है हम लोग कुछ और सेफ जगह ढूंढेंगे। न्यूज़ वाले जो है वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो मिलिटेंट है वो बाहर के लोगों पे अटैक कर रहे हैं, वो लोकल्स पे अटैक नहीं कर रहे। इस वजह से लोकल जो है वो एकदम चिल है, ज़्यादा इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बैठ के यू नो वीडियो एडिट कर रहा था। अभी ऑलमोस्ट मैं ये सेम वीडियो एडिट कर रहा हूँ जो आज का हमने शूट किया था श्रीनगर मार्केट में। तो आप ये वीडियो देखो पहले, इसके बाद का जो व्लॉग होगा उसमें हम प्रोबेबली दिवाली का व्लॉग डालेंगे एंड उसके बाद लद्दाख सीरीज कंटिन्यू करेंगे। यार क्यों बोल रहे हो लेकिन आप ऐसे? बट आपको बोलने की क्या जरूरत? अभी तक का वे ठीक थी यार, लेकिन हम लोग आए, मस्ती विस्ती किया, जो हमने कपड़े वगैरह लिए उस मार्केट से वो हमने ट्राई किया और देन हमने बातचीत चालू की और मैंने थोड़ा न्यूज़ देख लिया। यार ये न्यूज़ बहुत गलत चीज़ होती है, उसमें सब बताया कि मतलब इस वीक में ही एक वीक में 9 अटैक्स और 9 अलग अलग जगह और मोस्टली श्रीनगर एंड वी आर हियर, तो ज़्यादा डर लगने लगा। ऊपर से यार जगदीश भाई ने ऐसे सब बोला, अपनी गाड़ी बाहर है, ये वो, मेरा तो पैर कांप रहा है अभी। लिटरली दैट इज ट्रू, यू नो इफ पीपल आर अटैकिंग आउटसाइडर्स it only makes sense that your vehicle is having markings on top of it and I am from very far. People can easily find out that we are outsiders and I'm not feeling that confident to stay here and continue exploring this so city. Probably I don't think so. Kuch bhi ho jaye we'll have to leave, kyunki abhi tak ka bhi by God's grace, jaise aap sabko pata hai ki 20 minute pehle hum agar hum pahunche hote to khuda na kaasta shayad. Yes I don't know why, so we were doing something late, you know, we were you know while freshening up, you know, exactly what happened.
तो राहुल डिले कर रहा था बिकॉज उसको कुछ पेमेंट करनी थी, और मैं तो सबसे पहले रेडी होके खड़ी थी, चलो चलो। और मतलब हमें डिले कैसे हुआ वहाँ पहुँचने के लिए ना, 20-25 मिनट पहले हम पहुँचे होते अगर ये डिले नहीं हुआ होता। तो राहुल ने डिले किया, फिर जगदीश भाई वॉज लाइक आई हैव टू गो चेंज, तो उन्होंने कार से जाके 15 मिनट लिया एक्स्ट्रा टू ब्रिंग हिज क्लॉथ्स एंड चेंज इट। फिर उसके बाद में द गाई हु ओन्स दिस हाउस, ये होम स्टे है, उसने चाबी ढूंढने में 15 मिनट लगाया, रूम का चाबी नहीं मिल रहा था। सो ऑल दिस यू नो लेड टू अस गेटिंग डिलेड टू रीच देयर, और इस वजह से हम लोग जो है वो थोड़ा डिलेड पहुंचे एंड दैट हेल्प्ड। और हम लोग वहां पहुंचे तो इतनी ज्यादा लोग थे तो लगा कि कोई मूवी हो रही है। या सो इनिशियली वी थॉट यू नो दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ मूवी, दैट इज व्हाई देयर आर पुलिस पीपल। सो वंस वी गो देयर वी हैव सीन सो मेनी रिपोर्टर्स लाइक नॉट लाइक 10 15 डिफरेंट रिपोर्टर्स। गेस व्हाट, कि इनमें से किसी को पता नहीं चला सबसे पहले मेरे को, मतलब ये सारे सोचे हाँ कुछ तो चल रहा है, लगता है यस्टरडे वाज एक एनकाउंटर हुआ था उसका कुछ रिपोर्ट करने इतने सारे रिपोर्टर्स आए, तो ये सब लोग आके चले गए मार्केट की तरफ और मैं अकेली रुकी। मैंने बोला कुछ सीरियस लग रहा है, तो व्हेन आई हर्ड दोज रिपोर्टर्स टॉकिंग, तो रिपोर्टर्स का जैसे ही मैंने ब्लास्ट वर्ड सुना मैं मतलब आई वेंट एंड मैं बहुत गंदे तरीके से आई, मतलब राहुल कुछ मतलब रिटर्न चल बस चल, लाइक मेरे को एकदम से रहा नहीं गया एंड आई सेड लाइक दैट एंड यू गाइज आई कुडंट सी यू, इसको ये दिख रहा था तो आई कॉल्ड हिम बैक, और इसको ऐसे लगा कि क्या हो गया ऐसे क्यों बुला रही है। फिर बाद में आई टोल्ड हिम ब्लास्ट हुआ है, तब तक इसको फिर भी यकीन नहीं हुआ, शायद ही वॉज वेरी नॉर्मल क्या बोल रही है ऐसा था इसका रिएक्शन। उसके बाद में वेन ही हर्ड द रिपोर्टर सेइंग दैट एंड जब इसको समझी न्यूज, तब जाके हमने सबने थोड़ा सा मतलब डर का ये माहौल बन गया। यस, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक वी शुड स्टे बैक हियर और वी शुड, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आईडिया टू स्टे हियर एनी मोर। सो वी नीड टू चेक द न्यूज़ प्रोबब्ली, वी नीड टू टॉक टू द होटल that hotel guy. So we need to listen to him what he has to say about it, what he suggests whether to stay here. Okay. So we need to, I think maybe we can stay 1 or 2 days to the for the situation to get cold there. Don't explore any more places. Don't take risks and go back. I think कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं, मेरे को पहलगाम गुलमर्ग बाकी है ना कर लेंगे, हर्बल बाकी वो भी कर लेंगे, अनंतनाग का रास्ता होता है ना हर्बल आई गेस है ना राहुल, सो कर देख लेंगे अगली बार करेंगे। कभी हुआ है ये, कभी हुआ अभी जस्ट क्या बात कर रहे हो, वॉज इट लाइक अ बिग ब्लास्ट, तो कोई इंजर्ड है? पर्टिकुलर लोकेशन की है इस वक्त, आप फ्रेम में भी देख पा रहे होंगे इस वक्त जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो इस सिचुएशन को अभी एसरटेन कर रहे हैं और फैक्ट्स को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है श्रीनगर की, तो इस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग डायरेक्शंस में कई सारे कैमराज लगे हुए हैं, उन कैमराज की जो रिकॉर्डिंग्स है उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि फैक्ट्स को एसरटेन किया जाए और ये रिवील किया जाए कि किस तरह से ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अटैक हुआ है। Instead of all these things happening, और मुझे भी पता चला जस्ट कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और वो भी जस्ट 15-20 मिनट पहले, एंड आई के नॉट बिलीव दैट एवरीबडी इज सो नॉर्मल ओवर हियर। तो मैंने उनसे पूछा भी, सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है यहाँ पे, है ना एकदम ना। हम लोग लेकिन बाहर से आए ना तो थोड़ा डर लगता है, यहाँ लोगों को आदत हो गई है क्या? आदत क्या, अब तो हम इसमें अब जिए हैं, जी रहे। सो गाइस अभी हम लोगों ने मार्केट जो है वो थोड़ा कवर कर लिया है एंड इट्स बीन 1 आवर एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो नॉर्मल, मैं बता नहीं सकती। हम लोग एक्चुअली ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं कि ऐसा कुछ हुआ व्हेन वी एंटर्ड, और हम रिटर्न जाने वाले थे, बट राहुल वाज लाइक देख मार्केट तो नॉर्मल चल रही है, लेट्स गो देखते हैं जो लेना लेंगे, एंड हमने बहुत कुछ शॉपिंग कर लिया ऑलरेडी। सो गाइस हम लोग ना काफी देर से ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1-2 घंटा हो गया है एंड अभी तक ना हमें रियलाइज ही नहीं हुआ। Did you realize today this incident happened? No way. And we are not faking it out. Yeah. We can give the date and place. Yeah. You can search in Google also. Yeah, exactly. Like कुछ भी literally कुछ भी पता नहीं चल रहा है हम लोगों की, हम लोग ना अभी ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे literally अभी कुछ देर पहले जो है ब्लास्ट हुआ था एंड बहुत ही नॉर्मल सा सब चल रहा है। आप देख सकते हो पीछे जो लोग हैं
ये देखो ये पीछे जो लोग हैं सब अपना अपना शॉपिंग कर रहे हैं, ये देखो सब अपने में मस्त हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मजाक बन गया एकदम। लोग क्या रिप्लाई दे रहे थे जब हमने उनको पूछा तो? मैंने बोला यार, उन्होंने बोला अरे आप टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा। मैंने बोला एक बम हुआ हो सकता है और होगा, तो वो बोल रहे अरे नहीं होगा, वही लगाते। हाँ, सो दे आर लाइक, ये तो नॉर्मली होते रहता है, ये तो आर्मी करती है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ऐसा क्यों होगा, आर्मी क्यों करेगी। बट मोस्ट ऑफ देम, जितने लोगों से भी हमने पूछा ना, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये वो लोग खुद जानबूझ के कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल को मुद्दा बना रहे हैं। तो एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं। बट ठीक है, फैक्ट दैट द लाइफ ओवर हियर इज लाइक दिस, दैट दे आर यूज्ड टू सच डेंजरस थिंग्स अराउंड देम, दिस इज सो नॉर्मल। अभी हम लोग जो है ना मार्केट के अंदर आ गए हैं। बहुत लोगों से हमने बात की और पूछा कि ये अभी हुआ आधे घंटे पहले, फिर भी मार्केट कैसे चालू है। सो दे आर लाइक, ये ना नॉर्मल है हमारे लिए, हमें रोजी रोटी करना है, कमाना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। पूरा आप मार्केट देख सकते हो, स्टार्टिंग से लेके उस जगह पे, वहाँ पे कहीं पे हुआ था इंसिडेंट, एंड ये पूरा मार्केट जो है वो अभी भी चालू है। तो गाइज अभी हम लोग वही स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ पे हम इनिशियली आए, और हमने बहुत सारी मीडिया देखी थी, बट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब ऑलमोस्ट चले गए। राहुल को उसके पापा का कॉल आया, मोनिश को जो है वो जो जहाँ हम रुके होम स्टे उसके ओनर का कॉल आया, ऐसे करके सबको कॉल, मुझे भी आए होंगे बट मेरा फोन स्विच ऑफ है। सो एवरीबडी ऑलरेडी नोज इन इंडिया दैट यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, बट दीज पीपल हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो एंड हाफ ऑफ देम आर यूज टू इट। सो मैंने जो भी देखा बिहेवियर बहुत चिल था सबका यहाँ पे, पता नहीं था यार ये रोड ट्रिप पे ये भी एक्सपीरियंस। ये आप देख सकते हो, ये वही स्पॉट है जहाँ पे ये सीन हुआ था। एंड हम लोग जब मॉर्निंग में आए थे ना, तो मतलब जब दो तीन घंटे पहले आए थे तो पूरा कवर्ड था, एंड अभी यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है और लोग इतना नॉर्मली वॉक कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड हार्डली यहाँ से 100 मीटर दूर जो आप पेड़ देख रहे हो पीछे के साइड, वहाँ पे ये चीज हुआ था। तो यहाँ पे हम ना गाड़ी पार्क करके आगे गए थे। हम तो आए थे जब यहाँ पे, तो हमें तो ऐसे नॉर्मल था कि भाई हम तो सिर्फ शॉपिंग करने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर किए ना, हमें लगा कि कोई मूवी की शूट हो रही है। बट हमने जब यहाँ पे गाड़ी पार्क किया एंड यहाँ से हम वहाँ तक गए चल के, तब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ है। एंड फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे यू गाइस विल आल्सो नो कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम यहाँ ये मोमेंट पे प्रेजेंट है, आप अगर टीवी पे देख रहे हो तो, और रियलिटी हम दिखा रहे हैं आपको, मतलब पूरा मार्केट एकदम चिल था, एक भी किसी से भी किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट ऑन आस्किंग उनका यही कहना था दैट वी आर फाइन।